गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर काइट चैनल्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्लास टेंथ का ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर से ज़्यादा ना बने, और इसमें जितने भी आपका इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे सारे चीज़ को। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या, ये सारा टॉपिक लिखा हुआ है, जो भी कार्बन कंपाउंड के अंतर्गत टॉपिक आता है ये क्या है आपका सारा लिखा हुआ है। पहला देखिए स्टार्ट जो लेता है आपका इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन से, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर, कंबशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल का हम लोग को पढ़ना, प्रॉपर्टी वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, इथेनॉइक एसिड, एंड फाइनली हम लोग सॉप्स एंड डिटर्जेंट पे इसको ख़त्म करेंगे। तो हम लोग का स्टार्ट लेंगे आज का कम से कम टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आज का टॉपिक कम से कम आपका फंक्शनल ग्रुप तक ये टॉपिक कवर हो जाएगा ये इस लेक्चर। उसके बाद जो बचेगा सेकेंड लेक्चर की जहाँ तक, थर्ड लेक्चर में, मतलब 3 लेक्चर में ये टॉपिक्स आपका कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में आपको ख़त्म करके देते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर ये सब एक साथ चलेगा, और फाइनली इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड और सॉप्स एंड डिटर्जेंट क्या है आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप चैनल के साथ बने रहे और इस सारे टॉपिक को धीरे धीरे आप आसानी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर देखिए शुरुआत होता है, नाम ही चैप्टर का ऐसा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब इसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ना और इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, मतलब कि एक तरह से ये जो चैप्टर है कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, जिसमें कि हम लोग कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि कार्बन एंड उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है कि थोड़ा सा आइडिया हम लोग कार्बन का होना चाहिए। देखिए कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स है। कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल्स है। कार्बन पीरियोडिक टेबल्स में आपका पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप आपका 14, ग्रुप 14 में ये एलिमेंट बैठा हुआ है कार्बन, जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, ठीक है। और ये नॉन मेटल्स है जिसके पास 6 प्रोटॉन है। अगर मान लें हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल्स। इतना आइडिया होना चाहिए कार्बन के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, मतलब के और एल दो सेल इसमें यूज होता है, कार्बन 2 सेल यूज करता है और इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते हैं 2 और 4। 2-4 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट क्या है, 4 है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चलिए 4 है, इसका वैलेंसी भी क्या है, 4 है। इसलिए कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, मीन्स जितना क्या बोलते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और वैलेंसी 4 है। तो अब हमको इतना तो आइडिया कार्बन के बारे में मिल गया, इसी के बारे में पढ़ना है, इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं, पहला चीज़ है एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का जो एलोट्रॉप्स। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स बोला जाता है डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है कार्बन, एग्जिस्ट करता है। किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखिए सबसे जो आपका इसके एलोट्रॉप्स से पहला आप लिख सकते हो डायमंड, क्या है डायमंड, इसका एलोट्रॉप्स एक डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट, ये दोनों ज़्यादा सुना हुआ टर्म लगता है, ज़्यादातर सुनते हैं हम लोग इस चीज़ को, डायमंड और ग्रेफाइट बार बार हमारे सामने आया करता है। कुछ ऐसे एक टर्म और है फ्यूलरेंस, ये भी इसके इलेक्ट्रॉप्स है। डायमंड क्या ऐसा इलेक्ट्रॉप्स है, कार्बन तो देखिए नॉन मेटल्स है, कार्बन क्या है नॉन मेटल्स है, और इसका जो इलेक्ट्रॉप्स है डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर होता है। एक्सेप्शनली ऐसा है कि ऐसे तो हम लोग बोलते हैं मेटल और हार्ड होते हैं, लेकिन कार्बन में, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका कि डायमंड जो इलेक्ट्रॉप्स है सबसे हार्ड होता है। डायमंड के बारे में सुने, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना गया है इसको। स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल होता है, और
ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है। क्या होता है? हेक्सागोनल। और ये एग्जिस्ट करता है C60 के फॉर्म में। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ। तो डायमंड और ग्रेफाइट, इसके ये तीन इलेक्ट्रोड्स आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर आप किताब खोलोगे, चैप्टर खोलोगे, NCERT खोलोगे, तो ये सब चीज़ से भेंट होगा आपको। तो डायमंड और ग्रेफाइट में कुछ इसके बारे में जानना पड़ता है। तो सबसे पहले जानिए है कि ये ऑक्टाहेड्रल है, डायमंड और हेक्सागोनल है। डायमंड में क्या हार्ड सब्सटेंसेस इन नेचर, ये भी हार्ड सब्सटेंस है। ग्रेफाइट भी, जैसे कि आप पेंसिल का जो आप लीड लिखते हैं यूज करते हो, तो वहाँ पे पेंसिल में क्या होता है, वो क्या होता है, ब्लैक कलर का जो कार्बन है वो क्या है, ग्रेफाइट्स। तो डायमंड में क्या है, डायमंड क्या है आपका, लिखा रहता है कि डायमंड कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट कर पाता है। ऐसा कारण ये है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाता है कि एक कार्बन आपस में, जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है हेक्सागोनल में, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंतर्गत अंदर कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन के साथ यूज का हो जाता है, बॉन्ड बनाने में इसका यूज हो गया। चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, आप लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके कंडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है एडजेसेंट कार्बन के साथ इन द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में। लेकिन ये बात ग्रेफाइट के साथ नहीं, ग्रेफाइट में क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जरूर, लेकिन इसके कुछ स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं कि 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो पाता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो पाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका, बच जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होगा वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डायमंड नहीं करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन समझ चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। कहता है बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये बॉन्ड, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, केमिकल बॉन्ड के रूप में, कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं। तो लेकिन हाँ, इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे एक बात कि जितना भी जो है पूरे चैप्टर में छाया हुआ कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बातें होगी पूरे चैप्टर्स में, पूरा चैप्टर में किसका बात होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। इसलिए कि कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन किस क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में बना करता है। कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल्स। और देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, अब बात करेंगे केमिकल बॉन्ड का, तो ये प्रकार हो गया, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है किसको, ध्यान देंगे आप, इसको मिटा देते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसा से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसके प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़े होंगे मेटल और नॉन मेटल में कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, डैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रांसफर वाली बातें नहीं हो रही, यहाँ पे शेयर होगा इसलिए ट्रांसफर नहीं हो पाता है। कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बड़ा मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, गेन भी नहीं कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन ये ना लूज करना चाहता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लेना चाहता है, ठीक है, नहीं ले पाता है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसमें क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भी क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ नहीं देख पाएगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मतलब एक तरह से है कि वो स्टेबल कंडीशन नहीं है, ठीक। कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या उपाय है कि यहाँ पे बाद में अगर ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एक ही उपाय है बॉन्ड बनाने का, ये शेयर करेगा एडजेसेंट एटम के साथ, ये शेयर करेगा एडजेसेंट नॉन मेटल के साथ, ये शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, डेट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल में कोवेलेंट बॉन्ड हम देखते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मान लें स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा,
तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा, जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, दो है, दो चार है, दो छः है, तो आपस में ये शेयर करेगा, दो दो का छः, दो आठ इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। मतलब कि कोई भी एटम स्टेबल कब होता है, इधर उसके आसपास, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, उसके आसपास दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। और एक ऑक्टेट रूल भी है, एक ट्यूपलेट रूल भी है, और बाकी बहुत सारा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे ऑक्सीजन है, आसपास आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये भी आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, छः दो आठ इसके पास, छः दो आठ। नाइट्रोजन के केस में देखते हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच होता है, एटॉमिक नंबर सात होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच हो, फिर एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम के साथ ये बनाएंगे, इस तरह से पाँच और तीन आठ यहाँ भी बना लिए कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, क्या देखा जा रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बन रहा है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना, इसलिए वैलेंसी उसका वन है। याद रखिए एक बात, कितना वैलेंसी उतना बॉन्ड। हाइड्रोजन का वैलेंसी अगर वन है तो वो नॉर्मली वन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड बना लेता है। अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी अगर वन है तो वन बॉन्ड, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है तो दो बॉन्ड, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन है तो तीन बॉन्ड, इस तरह से ये फॉर्म करता है। क्लोरीन का वैलेंसी वन है तो क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन का वैलेंसी है, मान लें कार्बन का वैलेंसी है जैसे सी ओ, यहाँ पे देखते हैं उनकी सी एच फोर, मीथेन का स्ट्रक्चर अक्सर आप लोग देखे होंगे, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, आप देख लीजिए सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में ही आता है मीथेन है। देखिए कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, दो तीन चार, क्यों चार बॉन्ड बनाया है कि इसकी वैलेंसी चार होती है, जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करके आपको देगा, जो भी एटम का जितना वैलेंसी हो उतना बॉन्ड वो बनाएगा। लेकिन हाँ, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक, उतना वैलेंसी, जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, ये हो गया, आप भी साथ में जल्दी जल्दी कवर करो, समझने की कोशिश करो, इसको लिखिए। तो इस तरह से है वर्साटाइल नेचर, आप कहता है कोवेलेंट बॉन्ड के भी कुछ प्रकार होते हैं। कोवेलेंट अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बनाया तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बनाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बनाया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बनाया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब एक टर्म आपको मिलेगा, क्या बुक में मिला रहेगा, कोवेलेंसी, क्या मिलेगा, कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी कुछ भी नहीं है, जितना बॉन्ड जो बना रहा है एटम वही उस एटम का कोवेलेंसी कहलाता है, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वही वो कोवेलेंसी कहलाता है। मान लें कि ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा है, जिसकी कोवेलेंसी दो होगी, तो दो बॉन्ड कब बना रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर कर रहा होगा, ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए दो बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए एक बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तीन का, इसीलिए तीन बॉन्ड, इसीलिए कोवेलेंसी क्या है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द, कहता है कोवेलेंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, जो कोवेलेंसी होगा, कोवेलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम वही उसका कोवेलेंसी होता है। ऑक्सीजन का कोवेलेंसी दो इसलिए है कि उस दो बॉन्ड बनाता है, यही भी बोल सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए उसकी कोवेलेंसी दो, जितना कोवेलेंसी उतना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, या फिर उतना बॉन्ड का वो फॉर्मेशन कर पा रहा है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड को दो प्रकार में और बांट दिया गया, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर और एक नॉन पोलर। तो देखिए पोलर और नॉन पोलर को बड़ा आसानी से हम लोग कैचअप कर लेंगे, समझ लेंगे आसानी से। पोलर जब कोवेलेंट बॉन्ड का बात आएगा, पोलर तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा डिसिमिलर एटम के बीच में, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है, अगर डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंट एटम, डिफरेंट अगर एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर। डिफरेंट अगर एटम है तो उसको क्या बताएंगे हम लोग, उसको बोलते हैं पोलर। अगर सिमिलर एटम है, जैसे कि आप पोलर हो गया NH3 डिफरेंट एटम है, पोलर है CH4 डिफरेंट एटम है, तो ये सब चीज़ क्या देख रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट एटम आएगा उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर सिमिलर एटम जैसे H और O है, Cl और Cl है, उसके बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, तो ये सब सिमिलर एटम के बीच में बन रहा है। अगर सिमिलर एटम के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपका कवर किया। अब बात आता है कि वर्साटाइल नेचर क्या है, कार्बन का वर्साटाइल नेचर क्या है। वर्साटाइल नेचर का मतलब कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके वर्साटाइल नेचर की बातें करना है तो वर्साटाइल नेचर का मतलब है, सबसे पहला
कार्बन का वर्सटाइल नेचर की टेट्रावैलेंसी, कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या, टेट्रावैलेंसी। दूसरा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब इस तरह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इस तरह से हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये सब कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। एक लंबा चेन बना के कार्बन आपको देगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन 10 का भी चेन हो सकता है, 12 का भी चेन, 8 का चेन, 20 का भी चेन हो सकता है, 30 का भी चेन, मतलब कि एक लंबा चेन का फॉर्मेशन करने का कैपेसिटी, डेट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। थर्ड में है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, कार्बन कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिख सकता है। सिंगल बॉन्ड में भी रह सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड भी रह सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। इसी को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन कर सकता है? कार्बन कर सकता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में है कार्बन, टेट्रावैलेंसी, चार वैलेंसी है इसका, ये है कार्बन। तो ये हो गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इज इट क्लियर। वर्सटाइल नेचर भी आपका कंप्लीट होता है। तो हमने कवर कर लिया आपका, एलोट्रॉप्स बता चुके, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वर्सटाइल नेचर बता दिए। अब मैं आ रहा हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जैसे आप फिनिश करेंगे आपका क्या होगा, ये और ये थोड़ा आपका है ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हालांकि फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ तक कवर करेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप आप देखोगे इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, आपको मतलब कि ये कवर होगा और ये आपका फंक्शनल ग्रुप तक कवर होगा। नॉर्मल क्लेचर के बाद जो आएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ध्यान देंगे कि ये जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, यही मेन चीज़ है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं होता है, स्टेबल होता है। सीधा सीधी सैचुरेटेड की बात आता है तो नॉट रिएक्टिव। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कैसे पहचानते हैं? देखिए अगर हम ऐसे अगर देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे पहले देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड का मतलब रिएक्टिव होता है। ये सैचुरेटेड का मतलब नॉट रिएक्टिव, मतलब कि स्टेबल होता है, नॉट रिएक्टिव। तो इसके अंतर्गत क्या, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से सिर्फ बना हुआ, उसके अलावा कोई भी एटम उसमें नहीं होगा। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा कोई एटम नहीं होगा, वैसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH4 कार्बन हाइड्रोजन, C2H6 कार्बन हाइड्रोजन, C4H10 ये सब कार्बन हाइड्रोजन, C2H2 ठीक है कार्बन हाइड्रोजन, इसी तरह से C2H4 कार्बन हाइड्रोजन, ये सब क्या है? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ, जिसको क्या बुलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट हो गया, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंतर्गत आता है अल्केन, इसमें क्या आता है? अल्केन। और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन, ध्यान देंगे अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यहाँ पे होता है CnH2n-2, ध्यान देंगे इसको। तो ये हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पे, कहीं एक जगह एटलीस्ट, हो सकता है एक से ज़्यादा जगह पे हो, लेकिन कम से कम एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा तब वो अल्कीन कहलाएगा। अगर कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन कहलाएगा। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड में आ गया अल्केन का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। अगर मान लें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 CH4 हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड आएगा क्या होगा? CH4, ठीक है। उसी तरह से अल्किन में, अल्किन का रखिए, अल्किन का सीरीज जो होता है आपको बताएंगे जब होमोलोगस सीरीज पर आएंगे। तो अल्किन का जो सीरीज होता है फर्स्ट कार्बन से शुरू होता है, मीथेन से। लेकिन अल्किन और अल्काइन में क्या बातें हैं कि इसका जो सीरीज शुरू होता है सेकेंड मेम्बर से होता है। पहला हो गया इथिन से शुरू होगा, इसका इथाइन से शुरू होगा, लेकिन अल्केन पहला कार्बन से शुरू हो जाता है, मिथ से। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है।
तो ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपने देख लिया। फार्मूला आपको याद रखना किसी भी चीज़ का। मान ले सपोज हम सेकेंड सीरीज से क्यों शुरू होता है, पहला देखिए CnH2n, ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक रखें, फर्स्ट से बनाना चाह रहे हैं तो रखेंगे C1, और फॉर्मूला हो जाएगा CH2। इसलिए कि अब एक कार्बन है यहाँ पे और हम अल्कीन होने के लिए, तो अल्कीन है, अल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम कहाँ से लाएँ एक कार्बन और कहाँ से लाएँ और उसके बीच में डबल बॉन्ड का प्लेसमेंट कैसे करें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से बनेगा। अगर हम अल्काइन को फर्स्ट मेंबर से बनाना चाहते हैं, n इक्वल टू यहाँ पे वन रखेंगे तो देखिए कि हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन जीरो हो जा रहा है। n इक्वल टू वन रखेंगे तो हाइड्रोजन जीरो, ये भी नहीं बनेगा। n इक्वल टू 1 से ना अल्किन बनेगा ना अल्काइन बनेगा, अल्केन बन सकता है। तो अगर अल्किन और अल्काइन बनाना है तो आपको n इक्वल टू 2 से शुरू करना होगा, मीन्स इथ से शुरू करना होगा। इसका फर्स्ट मेंबर अल्किन का इथिन और इसका फर्स्ट मेंबर इथाइन। इज इट क्लियर? ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गए व्हाट इज सैचुरेटेड, क्या था अनसैचुरेटेड, क्या था और उसका क्लासिफिकेशन क्या था, अल्किन अल्किन और अल्काइन, इतना मैंने आपको बताया। अब इसी में आता है कि अगर हम बात करते हैं साइक्लोअल्किन, ठीक है, साइक्लोअल्किन आएगा, साइक्लोअल्काइन भी आएगा, वहाँ भी आएगा, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में क्या बातें हैं। जैसे मान लें कि हम कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाए, जैसे मान लें साइक्लोअल्किन लिखते हैं, साइक्लोअल्किन, ठीक है, मान लें ये साइक्लोअल्किन मैंने यहाँ लिख दिया। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसा होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए। कार्बन क्या होना चाहिए, एक रिंग में होता, क्लोज स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड का कंडीशन ये है, कम से कम आपको कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन से रिंग नहीं बनेगा, 1 कार्बन से भी रिंग नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आप 3 कार्बन यूज करते हो तो एक रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड जो शुरू होता है वो शुरू होता है 3 कार्बन से। हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड जब स्टडी करते हैं तो 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप बुलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉप से शुरू होने वाला है, किससे शुरू होगा, प्रॉप से। आप प्रॉप साइक्लोप्रोपेन से शुरू होगा। आप अगर सिंगल आप लिख दीजिएगा प्रोपेन, अगर साइक्लिक है तो आगे क्या लगा देंगे, साइक्लोप्रोपेन। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, एज ए प्रीफिक्स कब यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स क्या है, ये सब बीच में डिस्कशन होगा आपका। तो ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लिक कंपाउंड का ये होता है कि आपको साइक्लिक कंपाउंड अगर बनाना है, इसके जो जनरल फार्मूला है वो भी होता है, जैसे सबका जनरल फार्मूला साइक्लोअल्किन का CnH2n, जो अल्किन का होता है CnH2n-2 साइक्लोअल्किन हो जाएगा, साइक्लोअल्काइन होता है CnH2n-4। इसके लिए स्पेशलाइज फार्मूला कुछ आएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्या क्या कवर किए हैं, कि से ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ तक ये सब कवर हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए 3 कार्बन की आवश्यकता आपको होती है, ठीक है, 3 कार्बन। ये लोग साइक्लोअल्किन और साइक्लोअल्काइन का हम लोग जनरल फार्मूला देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि हम हाइड्रोकार्बन का किस तरह से सिंपल नोमेनक्लेचर किया करते हैं, उसके बाद फंक्शन। देखिए सबसे पहले साइक्लोअल्केन का फार्मूला, ये चीज़ मेन चीज़, अल्केन अल्किन और अल्काइन तो सभी बच्चे जानते हैं, और साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइक्लोअल्केन ये कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा आप लोग, साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन का जनरल जो फार्मूला है, अल्किन के फार्मूला को ये फॉलो करता है, ठीक है, अल्किन के फार्मूला को फॉलो करता है। साइक्लोअल्किन ये फॉलो करता है अल्काइन के फार्मूला को, CnH2n-2, और साइक्लोअल्काइन जो है उसके लिए अपना एक अलग फार्मूला है CnH2n-4। इससे कोई भी आप साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हो।
ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसा है, सैचुरेटेड, और बाकी दो ठो अनसेचुरेटेड है, ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि साइक्लिक कंपाउंड जो शुरू होगा, साइक्लिक कंपाउंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थ्री कार्बन, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थ्री कार्बन। बिना तीन कार्बन लिए आप साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते। जैसे मान के हम चलते हैं दो कार्बन लिए, इससे रिंग नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगा। साइक्लिक का मतलब ये है कि कार्बन जो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिंग, एक से भी नहीं बनेगा। जब तीन कार्बन लेंगे, एक दो तीन, तब ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बन सकता है। चार भी लेंगे तो बन जाएगा, मतलब तीन से क्या होगा, ये शुरू होगा, तीन से शुरू हो जाएगा, क्लियरली। तो ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड तीन कार्बन का है तो इसका सिंपल नाम क्या होगा, पहले आप लिख लेते हो क्या, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तीन कार्बन को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रॉप। हम बताएंगे भी नोमेनक्लेचर में आ रहे हैं, तीन कार्बन को प्रॉप बुलाते हैं क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ए एन ई क्या है, सिंगल बॉन्ड, ANE सिंगल बॉन्ड। आगे में क्या लगा देते हैं, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, चार कार्बन है, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का तीन फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे, ये और ये, इज इट क्लियर। अब यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है आपका होमोलोगस सीरीज। एक चीज आएगा इसी में, होमोलोगस सीरीज, ध्यान देंगे, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का आप सीरीज लिखो। अभी तो हम लोग तीन का ही लिख सकते हैं, इसलिए कि मैंने आपको तीन का ही बताया है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन का पहला मेंबर क्या है, जैसे माने हम लिखे अल्केन, यहाँ पे लिखे क्या, अल्कीन, और यहाँ पे लिखे हम अल्काइन, ठीक है, अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन क्या होता है, मीथेन। दूसरा होता है C2H6 इथेन। तीसरा होता है C3H8 प्रोपेन। चौथा होगा C4H10। मतलब ये चार चार शब्द का लिख रहे हैं इसका, अल्केन का, क्योंकि सीरीज शुरू होता है सेकेंड कार्बन से। तो पहला हो जाएगा C2H4, ये हो जाएगा C3H6, C4H8, सिमिलर। और एक लिख लेते हैं C5H10। अल्काइन में क्या हो जाएगा, C2H2, ये हो जाएगा C2H2। अल्काइन में क्या हो जाएगा, C3। अल्काइन के देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, CnH2n-2। अल्काइन होता है CnH2n-2। थ्री रखेंगे C3, 3 × 6 में से 2 के C3H4। C4, ठीक है, C4 हो जाएगा आपका क्या, 4 × 8 और एक में से 2 ये C4H6 ये। तो ध्यान देंगे कि हर एक, ध्यान इसमें ये देना है कि कोई भी ऑर्गेनिक, अभी तो तीन तो लिखे हैं, आगे अल्कोहल आएगा आपके पास, LDIHD आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, कीटोन आएंगे, कुछ भी सिमिलरली आ जाएगा। तो सारा का लिख दिए, सीरीज बना दिए, चार चार मेंबर का सीरीज सबका बना दिए। आप देखो कि हर एक मेंबर के बीच में एक किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। हर एक मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का, मतलब कि एक ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं। यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, CH2 का है। तो डिफरेंस जो आ रहा है क्या आ रहा है, सिमिलर डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए सीरीज का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज को हम लोग क्या बुलाते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बुलाते हैं, होमोलोगस सीरीज। ये कंप्लीट हो गया आपका, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो क्या है होमोलोगस सीरीज, सक्सेसिव मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफर बाय CH2 यूनिट विच इज कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। उसको क्या बुलाएंगे, होमोलोगस सीरीज। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, होमोलोगस सीरीज बता दिया मैंने आपको। आप चाहो तो सारे का स्क्रीनशॉट कवर कर लो जल्दी से। आप ध्यान देंगे, आप ये सब हो गया आपका। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं
क्या क्या हो चुका है आपका, ध्यान देंगे क्या क्या पढ़ा दिए मैंने आपको। एलोट्रॉप्स पढ़ा दिए, कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी के अंदर मैंने साइक्लिक भी बता दिया। अब फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा हम लोग मिलते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? कहता है फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, ये एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जो डिसाइड करता है उसी का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को जो डिसाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप नाम दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जो डिसाइड करने वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रहता है उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लें कि हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ CH4 मिथेन, क्या है? CH4 मिथेन, C2H6 है इथेन, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं CH3OH, यहाँ पे लिखते हैं C2H5OH, ठीक है। देखिए OH यहाँ पे आके जुट गया, बाद में बताएंगे OH क्या किसको बोलते हैं। OH एक फंक्शन ग्रुप है, एल्कोहल जिसको बोलते हैं। तो जैसा ही OH फंक्शन ग्रुप यहाँ पे आके जुट गया था, कि कार्बन ये प्रॉपर्टी किसका दे रहा है? एल्कोहल का प्रॉपर्टी देना शुरू किया। उसी तरह से कोई अगर कार्बोजनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसका प्रॉपर्टी देना शुरू करेगा। तो कार्बन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी देता है एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम उसी को क्या बुलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप हम लोग बुलाया करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पढ़ना है, जो क्लास 10th के अंदर इंक्लूड किया गया है। कार्बोजनिक एसिड है, देखिए कार्बोजनिक एसिड है, उसके बाद आपका सल्फोनिक एसिड आपको नहीं पढ़नी है, फिर एस्टर ग्रुप है, ये इसका जिक्र है, इसका जिक्र है एस्टर ग्रुप, कार्बोजलिक ग्रुप। उसके बाद क्या है आपका? एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोजलिक एसिड है, ये पढ़ना है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके बाद एल्कोहल है। सिमिलरली जो आता है अल्कीन है, अल्काइन, इसको भी एज ए फंक्शनल ग्रुप भी काउंट करते हैं, इन और आइन। उसके बाद हैलोजन, इस सबको क्या किया जाता है? एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। तो ध्यान देंगे आप फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितना है, अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप कितना फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोजलिक, कार्बोजलिक एसिड पहला हो गया जो पढ़ के जाना है। एस्टर, एस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, चौथा हो गया कीटोन, ये पढ़ना है। उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल, उसके बाद अल्कीन है जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, उसके बाद अल्काइन है जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एज ए फंक्शनल ग्रुप काउंट किया जाता है। आप कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से इसको नहीं बुला सकते, आप इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में रख सकते हो। ये भी जो है हेलोजन, हेलोजन एटम जो होता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, ये सब उसके बाद आता है बाकी सब्सटीट्यूएंट। हालांकि हेलोजन भी क्या कैसे ट्रीट होता है, सब्सटीट्यूएंट के जैसा ही ट्रीट होता है, एज ए प्रीफिक्स इसको ट्रीट करते हैं। तो कार्बोजिलिक एसिड क्या होता है? COH, इसको बोलते हैं COH। एस्टर होता है RCOR, ये एस्टर ग्रुप, बाद में हम लोग देखेंगे। एल्डिहाइड क्या है? CHO, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा ओपन करके लिखो तो ऐसे लिखते हैं CHO, ठीक है, इसको भी थोड़ा ओपन करके लिखते हैं तो COOH ऐसा लिखा जाता है। कीटोन को हम लिखते हैं CO, या फिर थोड़ा ओपन कर दो तो CO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से। एल्कोहल तो OH है, क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, अल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन एटम को X से डिनोट करते हैं, वेयर X इक्वल टू फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन। बाकी इसके बाद जो भी आएगा अल्काइल ग्रुप वगैरह ट्रीट होता है, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट होता है, ठीक है। कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी काउंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कितना फंक्शन ग्रुप देखना, मेजरली आपको 1 2 3 4 5 पांच फंक्शन ग्रुप है, मेजरली पांच फंक्शन ग्रुप है, बात समझ रहे हैं। अब प्रायोरिटी सीक्वेंस इसका क्या है, किसको हम सीनियर माने, जब आप नमन क्लेचर करोगे
ये जरूरी होना जानना जरूरी होता है कौन फंक्शन ग्रुप सबसे सीनियर है, ज़्यादा सीनियर, उसका सीक्वेंस ऑर्डर में हम लिख चुके हैं, वही ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंसेस का, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस जो हम लिखेंगे, प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आपका कार्बोज लीक हो गया, उसके बाद एस्टर ग्रुप हो गया RCOR, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद। हाँ, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं BBI कि इस प्रायोरिटी सीक्वेंस का यूज करके हम नोमेनक्लेचर कर पाएंगे क्लियरली। मतलब यूज पड़ेगा जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड में मौजूद हो, तो ध्यान देंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि फंक्शनल ग्रुप, ध्यान देंगे, अगर उसके बाद मैं इस खत्म करूंगा कुछ क्वेश्चंस करवा के आपको, सिंपल सा साधारण सा, जैसे मान लें कि अभी आप लोग को हम पढ़ाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देना चाहेंगे कि एनअल्केन कहता है, एनअल्केन कोई भी अल्केन है उस हैविंग मॉलिकुलर मास, उसके मॉलिकुलर मास क्या दिया हुआ है, सपोज आपका 72 एटॉमिक मास यूनिट, कितना मॉलिकुलर मास यूनिट ये है, राइट दी नेम ऑफ अल्केन, अल्केन का नाम क्या हो सकता है, ये भी पूछते कि इस अल्केन का IPSC नेम क्या हो सकता है, ये भी पूछते कि इस अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो कुछ भी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालिएगा तभी जाके ये पता चलेगा ये कौन सा अल्केन है और इसके पॉसिबल IPSC नेम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे किसका दिया हुआ 72 अल्केन का, तो गिवन दिया हुआ है मास 72 अल्केन का, तो लिखेंगे अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 बराबर क्या दिया हुआ है, 72 एक मोल अगर लेगा तो 172 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे CnH2n। देखिए कार्बन का आपको कार्बन कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं इतना तो जरूर आपको आइडिया होनी चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, तो 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 × n क्या हो जाएगा, 12n। अब तो पता नहीं कितना है आपका n, तो 12 × n+ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे हाइड्रोजन का मास क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक मास भी 1 और इसका भी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मतलब कि 2n, 1 × 2n क्या हो जाएगा 2n+2 बराबर 72, तो 12n+2n कितना हो गया 14n+2 बराबर 72, 14n इज इक्वल टू 72 − 2, तो 14n बराबर हो गया 70, देयरफॉर n इक्वल टू 70/14 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो n का वैल्यू आपका 5 आ गया, तो आप पॉसिबल अल्केन पता कर सकते हो, यहाँ पे 5 रख दो तो C5 × 10 और H हो गया 12, तो क्या हो जाएगा ये C5H12, यही अल्केन है। इस अल्केन को आप बुलाओ, ये नाम अगर पता है तो लिख सकते हैं पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे पेंटेन, यही इसका IPSC नेम हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा खोल के लिखते हैं CH3CH2CH2CH2CH3। अभी मैं आपको नोमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूँ, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें नोमेनक्लेचर डिस्कस किया जाएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था जो कि यहाँ तक डिस्कस किया गया फंक्शनल ग्रुप के बारे में तक। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वह स्टार्ट हम लेंगे नोमेनक्लेचर, हाउ टू नोमेनक्लेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो इस टाइप का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चंस का, ठीक है, कि अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या किया पूछने लगा अलग अलग तरीके से। ये तो अगर अल्केन की क्वेश्चंस इस टाइप से बन सकता है, मोलर मास दे रखेगा, मॉलिकुलर मास दे रखेगा, पूछेगा कि पॉसिबल अल्केन क्या है, हो सकता है कि
यहाँ पे अल्किन की जगह अल्कीन पूछ ली तो उससे कोई घबराना नहीं है। अल्कीन रहेगा तो अल्कीन का फॉर्मूला पुट करेंगे, अल्काइन रहेगा तो अल्काइन का फॉर्मूला पुट करेंगे। इज इट क्लियर? मान ले सपोज हम कर देते हैं इसको, आप नोट कर लें क्वेश्चन से। मान ले क्या किया कि यहाँ पे सिंपल सा हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहाँ पे मान ले कोई अल्कीन है, सपोज करा है एनी अल्कीन, कोई अल्कीन है जिसका कि आपका जो मोलर मास दिया हुआ, मॉलिकुलर मास जो दिया हुआ है अल्कीन का, वो सपोज मान के आपको दिया हुआ है कि 26 ग्राम है, सपोज 26 है, ठीक है। तो अल्कीन का कह रहा था क्या लिखिएगा, CnH2n इज इक्वल टू 26, देयरफॉर कार्बन का क्या हो 12n, क्या हो जाएगा आपका 12n प्लस 2n इज इक्वल टू 26, ठीक है। जैसे मान ले कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 26, तो कितना हो गया आपको 12n और H2n क्या हो जाएगा 12 × 2 = 14n, 14 × 26 28 करते हैं आप, 14n इज इक्वल टू 28, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या आ गया 28 × 14 इक्वल टू 2 आ गया, n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर रख दीजिएगा C2H4 हो जाएगा पॉसिबल। लेकिन ये होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, मोलर मास दे दे, बोल दे कि वो कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के कुछ टेढ़े मेरे क्वेश्चंस के साथ मूव करवाता हूँ। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं पूछता है कि बताइए कि CH3CH2OROH, फिर यहाँ पे लिख दिया CH3CH2COH ऐसा, या फिर लिख दे CH3COOCH3, पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप को पूछा नहीं करता, इसलिए आपको दिख रहा है ना। आप बोल दोगे OH है या अल्कोहल है, COH है और ये कार्बोजिलिक एसिड है, CO है कीटोन है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि C है, 2 है, H6 है और O है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या फिर दिखाएगा C3H6O, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान देंगे। तो ध्यान दिया जाएगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसके लिए क्या है C2H6O, यहां पे लिखिएगा स्ट्रक्चर C2, H इसके साथ रखिएगा H6 और O भी है, तो O को चाहिए डबल बॉन्ड, तो अगर यहाँ H रखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिएगा कि OH फंक्शनल ग्रुप C3H6O है, तो C3 लिख लीजिए, C3H6 लिख लीजिए 3, आप यहाँ भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। आप एक फॉर्मूला आप ऐसा भी बना सकते हो, बोलिएगा कि ये एच हम यहाँ भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक एच और पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन यहाँ पे होगा तो ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दीजिएगा कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, इसमें कीटोन ग्रुप है, कीटोन भी पॉसिबल है, यहाँ पे देखिए कीटोन भी पॉसिबल है। यहाँ से मैं इस फॉर्मूला से एक चीज़ और बना सकता हूँ, C2H5 हो गया और ये 6 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो बताइए कौन सा ग्रुप आ गया, CH2 aldehyde, तो इसमें इसमें जो लिखा हुआ है इधर कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन कीटोन का कंडीशन ये है, बताऊंगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये कहाँ कहाँ आपका पॉसिबल रह सकता है, बीच में रहेगा कि टर्मिनल पे रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके नॉमनक्लेचर बनेगा, नॉमनक्लेचर जब हम लोग करेंगे तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल आएंगे फंक्शनल ग्रुप लगा के, तो वहाँ पे समझने में हमको ज़्यादा सहूलियत होगा। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन सर, इससे मान ले कि अगर पूछ दिया कि मीथेन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसे मान ले लिखा हुआ C2H5OH में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, C2 याद रखिएगा, आपको जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे एक चीज़ आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा,
ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है आपको। और इसके बाद में एक आइडिया और रखना होगा कि जहाँ कार्बन मिलेगा वो कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन बनाएगा चार बॉन्ड होना चाहिए। अगर चार बॉन्ड नहीं कार्बन का पूरा रहा तो आपका स्ट्रक्चर गलत है, फिर से चेक कीजिए। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, अगर कहीं हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना लिया है गलत है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा। इस बात को अगर दिमाग में स्टूडेंट को या बच्चे को याद है तो स्ट्रक्चर लिखते समय गलती नहीं करेगा, आइदर वो शेयर करवाए या नहीं करवाए। कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग नहीं भी करवाएगा तो स्ट्रक्चर उसका सही होने वाला है। तो देखिए अभी देखिए, कहता है कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, कार्बन चार बॉन्ड, तो दोनों कार्बन को चाहिए चार बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको सेटिस्फाइड कीजिए चार बॉन्ड से, इसका एक दो तीन चार हो गया, इसका हो गया एक दो तीन। हाइड्रोजन याद रखिए, हाइड्रोजन हमेशा रहेगा लास्ट में, बीच में कभी हाइड्रोजन नहीं आएगा। जैसे ही हाइड्रोजन बीच में आएगा तो वो क्या करेगा कि डबल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन रख दिए, यहाँ है कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे रख दिए, ऐसा आप कभी नहीं देखोगे। इसलिए नहीं देखोगे, अगर ये बीच में जाता है तो हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना लेता है। तो क्या है, हाइड्रोजन को हमेशा कहाँ रखना है, लास्ट, लास्ट में रहेगा। ताकि ये देखिए यहाँ पे अगर रख दें हम यहाँ पे, आप बच क्या गया, C2 हो गया, एक हो गया, एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार है या पाँच है, C2H5 हो गया, C2H5 यहाँ पे आप देख रहे हो C2H5, एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, इसको हम कहाँ दे दिए, कॉर्नर पे, तो बीच में ऑक्सीजन आएगा तो ये बन गया, क्लियर। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कह सकते हैं इसमें 8 कोवेलेंट बॉन्ड है। और सब कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सब क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अब देखिए CH3CHO, इसमें बताइए कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या, तो आपको याद रहना चाहिए इसमें कौन कौन एटम है, कार्बन चार बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ऑक्सीजन दो बॉन्ड। तो चलिए दो कार्बन है, इसको हम चार बॉन्ड दे देते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए अब तक इसका तो चार हो गया, इसका तीन हुआ है, तो बीच में क्या आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे CH3CHO, इस कार्बन का अगर मान लिया यहाँ पे देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे दिए CH3, मतलब एक दो तीन हो गया, ये चार हो गया हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन को देना है डबल बॉन्ड, तो एक दो तीन चार CH3CHO, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 7 कोवेलेंट बॉन्ड, इज इट क्लियर। तो ये चीज था मेरा लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं पढ़ाया, कहाँ से कहाँ तक, एलोटॉप से लेके आपको मैंने पढ़ाया, फंक्शनल ग्रुप तक का आइडिया मैंने इसमें दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा नोमेनक्लेचर्स, क्या होगा नोमेनक्लेचर बताऊंगा, कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कवर करेगा लेक्चर नंबर आपका 2। और बाकी जो बच जाएगा इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड एंड सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट, वो है लेक्चर नंबर 3 में, मैं इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि थोड़ा सा लंबा भी है, हो सकता है इसका लेंथ कुछ भाग भी जाए, ठीक है। अगर 10 मिनट 5 मिनट का लेंथ बढ़ेगा उससे कोई घबराना नहीं है, मज़ा बहुत आएगा, आप देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो आई थिंक इतना चीज़ आपको सब कुछ पता चल गया, कार्बन कंपाउंड की मैंने स्टडी कर रहा था। कार्बन जब भी स्टडी कीजिए, कोई पूछे तो 5 प्रॉपर्टी कार्बन के बारे में जरूर बोलना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 5 प्रॉपर्टी कार्बन का देते हुए, वो प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, एटॉमिक नंबर इसका 6, मास नंबर 12, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6, सभी को कुछ इसमें बराबर है, समझ रहे हैं। इसके आप कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बनाता है कार्बन, शेयरिंग के द्वारा आपका इसमें क्या करता है, कार्बन कोशिश करता है हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाए, कोई ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड नहीं बनता कार्बन का, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो हम लोग चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नमन के।